फ्रेंड्स, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवों में जन्म के बारे में देखेंगे। इसमें हम अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे विखंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा, मुकुलन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा, बीजाणु समासंघ द्वारा। चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है विखंडन। पहला प्रक्रिया है विखंडन। इसमें अनेक एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु प्रोटोजोआ में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे जीव जिसमें विखंडन के द्वारा दो नए जीवों का निर्माण होता है उसे द्विविखंडन कहते हैं। यहाँ पर अमीबा में द्विविखंडन दर्शाया गया है। चलिए आगे उदाहरण में इसके है अमीबा, लेस्मानिया। ऐसे जीव जिनमें विखंडन द्वारा अनेकों जीवों का निर्माण होता है उसे बहुखंडन कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। इसमें अनेक दो अधिक से अधिक टुकड़े टूट करके पुनः नई जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए आगे, जैसे प्लाज्मोडियम में भी होता है और स्पाइरोगायरा में भी होता है। अगला है पुनरुद्भवन। ऐसे जीव जिनके शरीर किसी कारणवश अनेक खंडों में टूट जाते हैं तो प्रत्येक खंड पुनरुद्भवन द्वारा पूर्ण विकृत होकर नए जीव में निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्लैनेरिया है। प्लैनेरिया पहले एक कोशिका थी, यह क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षति हो कट करके तीन भागों में विभाजित हो गई है। इसके बाद हर भाग एक एक जीव का निर्माण करता है, नया जीव का निर्माण। इसी तरह पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन की क्रिया हाइड्रायोम प्लैनेरिया में होती है। अगला है मुकुलन। ऐसे जीव जिनके शरीर से मुकुल या उभार निकलते हैं और यह मुकुल वृद्धि करके नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र जीव बना लेता है। जैसे देखिए फिगर में दर्शाया गया है, यहाँ देखिए हाइड्रा है। हाइड्रा में देखिए उभार यहाँ पर निकल रहा है, यह उभार विकसित हो रहा है। विकसित हो करके हाइड्रा जैसा पुनः संरचना ले लेता है और अंत में टूट करके यह इससे अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा है। अगला है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करती हैं, यह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रायोफिलम की पत्ती है। इसमें इसके पोर से नन्हे पौधे निकल रहे हैं, इसलिए इसे कायिक जनन भी कहा जाता है। कायिक जनन गन्ना, गुलाब, अंगूर, आलू, ब्रायोफिलम की पत्तियाँ, मनी प्लांट के पौधे आदि में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है। अगला है बीजाणु समासंघ। इसमें बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं, जैसे राइजोपस। इसका एक प्रमुख उदाहरण है, राइजोपस का फिगर बना हुआ है। इसमें देखिए बीजाणु ऊपर लगे हुए हैं